हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू साइंस का तड़का। तो आज हम एक ऐसा ब्रेकफास्ट बनाने वाले हैं जो बच्चों से लेके बूढ़ों से लेके हर एक को बहुत पसंद आता है। तो आज हम बनाने वाले हैं वेज चीज़ ब्रेड ऑमलेट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 अंडे तोड़ लिए थे, एकदम फ्रेश अंडे हैं, मैं एकदम फार्म से उठा के लेके आई हूँ, जस्ट किडिंग। तो हम यहाँ पे 3 अंडे का मैं ऑमलेट बनाऊंगी, तो 3 अंडे में हमारे 2 पेयर बनेंगे। उसके बाद एक कटी हुई प्याज है, बारीक कटी हुई प्याज, तो ये आपको जितनी डालनी है उतनी आप डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने कम से कम 4 से 5 चम्मच डाली थी। ये शिमला मिर्च है कटी हुई, तो ये भी आप डाल सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है, कई लोगों को शिमला मिर्च नहीं भी पसंद होती है तो। और बारीक कटे हुए टमाटर भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, और छोटी छोटी हरी कटी हुई मिर्च भी हम इसमें डाल लेंगे। उसके साथ ही साथ इसमें कुटी हुई काली मिर्च एक चुटकी, स्वाद अनुसार नमक आप इसमें डाल लेंगे, और इसको अच्छे से आपको फेंट लेना है जब तक ये एकदम झाग ना बन जाए। तो आपको अगर फ्लफी ऑमलेट पसंद है तो आप ब्लेंडर से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, तो एकदम ये झाग जैसा बन जाएगा इसमें। एंड आपको पतला ऑमलेट पसंद है तो आप इसको ज़्यादा फेंट लेना। तो मैंने यहाँ पे एक पैन में 1 बड़ी चम्मच तेल ले लिया था, और जैसे ही वह हल्का सा गर्म हो जाएगा उसके बाद जो हमारा फिटा हुआ अंडा था उसको हम इसमें डाल देंगे, और एकदम लो फ्लेम पे इसको धीरे धीरे आपको पकने देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कलरफुल और कितना प्रिटी लग रहा है। तो मैंने क्या किया था, एक्चुअली ये अंडा थोड़ा ज़्यादा सूख गया था, उसके बाद मैंने इसमें ब्रेड ऐड की थी। अगर आप चाहें तो जब ये हल्का सा गीला रहता है आपका जो ऑमलेट है तब आप इसमें ब्रेड ऐड कर लें। तो मैंने यहाँ पे टोटल 4 ब्रेड यूज़ करी है, आप वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप इसको थोड़ी देर और पकाएंगे दबा के अच्छे से, एंड फिर आती है इसकी पलटने की बारी। तो यहाँ तो मैंने ये शॉर्टकट कर दिया क्योंकि मेरे से एक बार में पलटा नहीं था, ये टूट गया था अंडा, तो वो तो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, बट हाँ तो इस तरीके से मैंने इसको काट लिया है यहाँ पे, और ऊपर से आप मन चाहा इसमें चीज़ ग्रेट कर लेंगे। मुझे चीज़ पसंद है तो इसलिए मैं यहाँ पे ग्रेट कर ले रही हूँ। अगर आपको नहीं चाहिए, आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो आप ये स्किप कर सकते हैं टोटली, बट हल्का सा चीज़ डालेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपका इसमें। एंड वो चीज़ अच्छे से ग्रेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा कटा हुआ शिमला मिर्च, और थोड़ा सा टमाटर इसमें डाल देंगे ऊपर से। और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया इसमें डाल देंगे, और फिर हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ढक के, सो दैट जो ऊपर चीज है वो मेल्ट हो जाएगा और आपकी सब्जियां भी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इसको हम फोल्ड कर देंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ब्रेड ऑमलेट एकदम रेडी हो गया है। ये बहुत टेस्टी बना था क्योंकि जो चीज़ है ना वो एकदम घुल रहा था मुंह में, इसका बहुत ही अच्छा स्वाद आ रहा था। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर ट्राई करें, एंड इस तरह से प्लेटिंग करके आप अपने गेस्ट को और अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर खिलाइए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।